वो महानायिका जिसने 36 साल खुद को गायब रखा, मौत पर भी नहीं दिखा चेहरा, इंडियन सिनेमा की लेजेंड एक्ट्रेस की लिस्ट इस अभिनेत्री के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती है। फिल्मों में उनकी खूबसूरती भारतीय दर्शकों ने हमेशा देखी, मगर पर्दे के बाहर इस अभिनेत्री से मुलाकात का कोई किस्सा शायद ही किसी के पास मिले। यह अभिनेत्री यूं दूर हुई कि उनके निधन तक लोग उन्हें दोबारा नहीं देख सके। भारत सरकार से सिनेमा में योगदान के लिए मिलने वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत ऊंचा दर्जा रखता है। देश के राष्ट्रपति के हाथों मिलने वाला यह अवार्ड के लिए जिसे चुना जाए वो अपने आप में भारतीय सिनेमा का एक आइकॉन बन जाता है। महानायक कहे जाने वाले हिंदी फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड 2019 में मिला था। उनसे 14 साल पहले 2005 में इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक को भी यह अवार्ड ऑफर हुआ था। बताया जाता है कि इस एक्ट्रेस की एक बंगाली फिल्म को हिंदी में अमिताभ बच्चन और रेखा की यादगार जोड़ी के साथ मनाया जाना था, लेकिन ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद अमिताभ बच्चन साहब ने पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कहा था, यह मुझसे नहीं होगा। उस लेजेंड एक्ट्रेस को जब अवार्ड ऑफर हुआ तो खास नोट भेजा गया, आपको खुद अवार्ड लेने आना होगा। अगर उस एक्ट्रेस ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा सम्मान को छोड़कर जनता की नजरों से दूर अपने एकांत में रहना चुना, यह थी महानायिका सुचित्रा सेन। 6 अप्रैल 1971 को पैदा हुई सुचित्रा को किंवदंती नायिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में से एक सुचित्रा जब जनता की नजरों के सामने आखिरी बार आई तो 47 साल की थी। उनके चेहरे पर बढ़ती उम्र के कुछ निशान जरूर मौजूद थे, लेकिन उनकी पहचान वही खूबसूरती। 25 साल लंबे करियर में दर्शकों को पलके झपकाए बिना देखते रहने पर मजबूर किए रखा था। 2014 में जब सुचित्रा ने संसार को अलविदा कहा तो वो 82 साल की थी, मगर लोगों को आज भी वो ज्यादा से ज्यादा 47 साल की ही याद है, क्योंकि उसके बाद कभी लोग उन्हें सामने से देख ही ना सके। आइए बताते हैं किंवदंती सुचित्रा सेन के बारे में। सुचित्रा एक मिथिक की शुरुआत। कलकत्ता के बड़े रईस आदिनाथ सेन अपने बेटे दीवाननाथ की शादी के लिए लड़की खोज रहे थे। इसी सिलसिले में उन्हें 1947 के बंटवारे में पूर्व पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश के पमान जिले से पश्चिम बंगाल आया एक परिवार मिला। 16 साल की रमा दास गुप्ता में आदिनाथ ने ऐसा क्या देखा जो उसे बहू बनाने का फैसला ले लिया, यह कोई नहीं जानता। लेकिन किससे बताते हैं कि रमा के आने के बाद आदिनाथ के बेटे दीवाननाथ की जिंदगी बदल गई, जिसे पार्टियां, शराब और जुए की लत लगने लगी थी। शादी के अगले ही साल रमा को एक बेटी भी हुई जिसका नाम मुनमुन सेन रखा गया, जिसने भारत में कई भाषाओं की फिल्में की और बड़ी एक्ट्रेस बनी। लेकिन इससे पहले मुनमुन की मां रमा सिनेमा की आइकॉन बनने निकली थी। 50 के दशक में एक शादीशुदा और एक बच्चे की मां का एक्टिंग में कदम रखना एक बहुत बड़ी बात थी, मगर रमा ने यह बड़ा कदम उठाया और स्क्रीन पर उन्हें सुचित्रा सेन के नाम से जाना गया। उनकी पहली बंगाली फिल्म शेष कोयत 1952 में थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। मगर इसके बाद जो हुआ उससे जैसे सुचित्रा की तकदीर ही बदल गई। सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ी सुचित्रा को जो पहल फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी वो नाम था 7 नंबर कैदी। 1953 में यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसके बाद तरुण मुखर्जी की फिल्म आइटम बम में सुचित्रा ने एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा रोल में काम किया। यह फिल्म बनी 1951 में थी, मगर रिलीज 1954 में हुई। मगर इससे पहले 1953 में उनकी फिल्म 75.5 थिएटर में खूब चलने लगी। इस फिल्म में सुचित्रा पहली बार उत्तम कुमार के साथ नजर आई, जिन्हें बंगाली सिनेमा का महानायक कहा जाता है। यह फिल्म बड़ी हिट बनी और फिर उत्तम सुचित्रा की जोड़ी ऐसी पॉपुलर हुई कि अलग अलग डायरेक्टर ने करीब 20 सालों तक इस जोड़ी को फिल्मों में खूब रिपीट किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने करियर के 60 फिल्मों में से सुचित्रा ने 30 उत्तम कुमार के साथ की थी। देवदास की सबसे पॉपुलर पारो बिमल रॉय की नेशनल अवार्ड से सम्मानित फिल्म देवदास 1955 सुचित्रा की डेब्यू हिंदी फिल्म थी। रॉय ने पहले मीना कुमारी को इस किरदार के लिए अप्रोच किया था, मगर उनके पति कमाल अमरोही ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जो उन्हें स्वीकार नहीं थी। तब तक सुचित्रा बंगाली में उत्तम कुमार के साथ अग्नि परीक्षा 1954 जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। कहते हैं कि यहीं से बिमल दा ने सुचित्रा को पारो के रोल के लिए अप्रोच किया। देवदास में चंद्रमुखी के रोल के लिए वैजंती माला को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड ऑफर हुआ,
लेकिन उन्होंने यह कहते हुए अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि फिल्म में सुचित्रा और उनका रोल बराबर था। ब्रिटिश फिल्म क्रिटिक डायरेक्ट मैलकम ने एक जगह कहा है कि वो सुचित्रा के एक्टिंग के हुनर को बहुत शानदार नहीं मानते, बल्कि उनके हिसाब से सुचित्रा के चेहरे पर एक स्थायी भाव था जो किरदारों को अलग रंग दे देता था। सुचित्रा के साथ पाके बाधा में काम कर चुके एक्टर सौमित्र चटर्जी ने भी यह बात कही कि वो खूबसूरत तो थी लेकिन मैं उन्हें बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं मानता। सुचित्रा अपने किरदारों को कुछ इस तरह निभाती थी जिसे आज सिनेमा में अंडर प्ले करना कहा जाता है। हिंदी में सुचित्रा ने कुल मिलाकर 7 फिल्मों में काम किया जिनमें से कुछ हिट रहे तो कुछ फ्लॉप, मगर उनके किरदार हमेशा बाकी एक्ट्रेसेस से अलग रहे। ताकतवर किरदार और हीरो से ज्यादा फीस। तत्पदी में सुचित्रा एक शराबी एल्गो इंडियन महिला सैनिक थी। उत्तर फाल्गुनी में उन्होंने एक वेश्या और उसकी वकील बेटी का डबल रोल किया। दीप जेल जॉय में उन्होंने एक नर्स का किरदार निभाया जो दिमागी परेशानी से जूझ रही है। हीरो की मदद करने के लिए उसकी पत्नी होने का नाटक करती है। 1950 से 1960 के दशक में इस तरह के किरदारों पर्दे पर निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सुचित्रा ने ना सिर्फ पर्दे पर दमदार किरदार निभाया बल्कि पर्दे के बाहर भी अपने लिए सॉलिड पहचान क्रिएट की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1962 में आई फिल्म ये बिपाशा के लिए सुचित्रा ने बतौर फीस 1,00,000 रुपए ली थी। यह पहली बार था जब किसी बंगाली एक्टर ने इतनी फीस चार्ज की थी। यह भी बताया जाता है कि अपनी कई फिल्मों के लिए सुचित्रा ने फिल्म के हीरो से ज्यादा फीस चार्ज की और यह नाहक नहीं था। यकीनन पर्दे पर लोग उन्हें देखने के लिए इस तरह जुटा करते थे कि फिल्म में उनका होना अपने आप में एक चर्चा की बात हो चुकी थी। एक आंधी हिंदी सिनेमा के दर्शक और किसी किरदार से सुचित्रा को पहचानते हो या नहीं, मगर 1975 में आई गुलजार की फिल्म आंधी उन्हें ज़रूर याद होगी। इस फिल्म में सुचित्रा ने एक फीमेल पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था। ऐसा कहा गया है कि फिल्म की कहानी और यह किरदार उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी से प्रेरित था, लेकिन असल में सिर्फ सुचित्रा के किरदार का सिर्फ लुक ही उनसे प्रेरित था। सुचित्रा को जिस एक आइकॉनिक खूबी के लिए बहुत याद किया जाता है उनमें से एक है गानों पर उनकी एक्टिंग। आंधी में भी उन पर फिल्माए तेरे बिना जिंदगी से और तुम आ गए हो नूर आ गया है बहुत आइकॉनिक थे। इन दोनों गानों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। रिजेक्ट की टॉप फिल्म मेकर्स की फिल्में इंडियन सिनेमा के इतिहास में जिन्हें लेजेंड फिल्म मेकर्स कहा जाता है उनसे सत्यजीत रे का नाम भी शामिल है। विदेशों तक में आज भी बड़े फिल्म मेकर सत्यजीत से इंस्पायर होने की बात स्वीकार करते हैं। इन्हीं सत्यजीत रे ने तय किया कि 1960 के दशक में बंगाली नोवेल देवी चौधरानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और लीड रोल लेकर सुचित्रा के पास पहुँचे। कभी 2 साल में 20 फिल्मों पर काम करने के लिए चर्चा में रही सुचित्रा से रे ने कहा उनकी फिल्म के दौरान वो और किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। रिपोर्ट्स की माने सत्यजीत यह भी चाहते थे कि सुचित्रा उनकी फिल्म के लिए अपना लुक बदलें, लेकिन सुचित्रा को यह दोनों बातें स्वीकार नहीं थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सत्यजीत भी अपनी फिल्म को लेकर इतने पर्टिकुलर थे कि सुचित्रा ने इनकार करने के बाद उन्होंने यह प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया और कभी यह फिल्म नहीं बन पाई। इसी तरह एक बार सुचित्रा ने राज कपूर को भी फिल्म के लिए मना कर दिया था। बताया जाता है कि जब वो नहीं मानी तो राज साहब उनसे मिलने कोलकाता पहुंच गए। अपने मस्त मिजाज के लिए मशहूर राजकुमार ने घुटनों पर बैठकर सुचित्रा को फूलों के बुके दिए। बताया जाता है कि उनका यह फिल्मी अंदाज सुचित्रा को पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुचित्रा ने फिल्म के लिए मना करने के बाद अपने एक आदमी से कहा, आदमी को औरत के सामने इस तरह झुकने की क्या जरूरत है। सुचित्रा की बायोग्राफी लिखने वाले गोपाल कृष्ण रॉय कहते हैं वो बहुत मूडी थी और हमेशा अपने मूड के हिसाब से चलती थी, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर वो बहुत खुश रहने वाली और प्यारी थी। स्क्रीन से मोह भंग और एकांतवाद साल 1978 में सुचित्रा की फिल्म प्राण पाशा रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्हें कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया। उन्होंने पब्लिक की नज़रों से
खुद को दूर कर लिया और जैसे किसी एकांतवास में रहने लगी। जब उन्होंने स्क्रीन से दूर होने का फैसला किया तो राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म तीन बंदिनी पर काम शुरू हो चुका था, मगर सुचित्रा के फैसले की वजह से इसे बीच में ही बंद करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 1980 में अपने मशहूर स्क्रीन पार्टनर उत्तम कुमार के निधन के बाद उन्होंने जनता की नज़रों से खुद को ज़्यादा दूर कर लिया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तम कुमार ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले सुचित्रा को फ़ोन किया था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सुचित्रा ने उन्हें कह दिया था, मैं बिजी हूँ, बाद में मिलती हूँ। रामलाल नंदी जिन्हें सुचित्रा अपने बेटे की तरह मानती थी, बाद में एक इंटरव्यू में बताया, एक दिन 1978 में उन्होंने कहा, अब मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगी। तब मैं इस स्टेटमेंट की वैल्यू समझने लायक समझदार नहीं था। नंदी ने एक अंकल से चौधरी छाबियानी प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे और सुचित्रा के काफ़ी करीबी थे। आसित ने ही सुचित्रा को दीक्षा गुरु रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भरत महाराज से मिलवाया था। अपने आखिरी दिनों में लोगों की नज़रों से दूर सुचित्रा रामकृष्ण मिशन को समय दिया करती थी और बागबानी पढ़ाई वैराग्य में मन लगाकर समय बिताती थी। उनके बायोग्राफर रॉयल ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने अपने अनगिनत फैंस के दिल में अपनी यंग इमेज को ही बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। उनके साथ दो फिल्मों में काम कर चुके देवानंद ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने सुचित्रा से मिलने की कोशिश की थी, मगर उनके करीबियों ने यह कहकर मना कर दिया कि वो किसी से नहीं मिलती। आखिरी सफ़र भी नज़रों से दूर रहीं। दिसंबर 2013 में लंग इन्फेक्शन की शिकायत के साथ सुचित्रा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जनवरी के पहले हफ्ता में खबरें आईं कि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन उनकी तबीयत फिर बुरी तरह बिगड़ने लगी। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा का निधन हो गया। उनके ट्रीटमेंट के दौरान भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि प्राइवेसी बनी रहे। बंगाल की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बेहद गुपचुप तरीके से उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। साउथ कोलकाता के एक शमशान में जब सुचित्रा की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लिया गया तो उनका शव एक ऐसी गाड़ी में था जो सफ़ेद फूलों से ढकी थी और जिसके शीशे काले थे। रास्ते भर में खड़े लोग न्यूज़ चैनल के कैमरे और उनके निधन की खबर सुनकर आए। कोई भी व्यक्ति नहीं देख सका कि आखिरी समय में सुचित्रा आखिर दिखती कैसी थी। गाड़ी से उनका शव एक ताबूत में निकाला गया और उसे ऐसी जगह चिता पर रखा गया जो पब्लिक की नज़रों से छिपी हुई थी। सुचित्रा के बारे में मशहूर है कि उन्होंने एक बार कहा था, मैं एक एक्ट्रेस हूं और मुझे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम समय तक उनके परिवार ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सुचित्रा लोगों को वैसी ही याद हैं जैसे उन्हें स्क्रीन पर देखा गया था।